कैसा लग रहा है? चने का आटा बनाने के लिए सबसे पहले आपको चने लेने हैं और उसके छिलके उतार लेने हैं। बाजार में चने के छिलके उतरे हुए भी मिलते हैं, अगर आप चाहें तो वो भी ले सकती हैं, और अगर आपको वो नहीं मिलते तो आप घर पर भी इसके छिलके उतार सकती हैं। छिलके उतार लेने के बाद आपको इसको एक बाउल में डाल लेना है। ये देखिए छिलके उतर चुके हैं चने के अच्छे तरीके से। उसके बाद आपको थोड़ी सी देसी खांड लेनी है और थोड़ा सा आपको ड्राई फ्रूट लेना है। आप इसमें काजू, बादाम, अखरोट जो भी डालना चाहे वो डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे नहीं खाते हैं, तो इसमें डालने से बच्चों को प्रॉपर मात्रा में उनका न्यूट्रिशंस भी मिल जाएगा। इन सबको आपको एक जार में डाल लेना है। मैं देसी खांड का यूज करती हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चों को चीनी नहीं देती, उन्हें देसी खांड देती हूँ, तो मैं इसमें देसी खांड डालूंगी क्योंकि मैं ये अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। इनको चला लेना है। आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि आपको इन्हें ज्यादा बारीक नहीं पीसना है। अगर आप ज्यादा बारीक पीसेंगे तो ये थोड़ा मुंह में चिपकने लगेगा, इसलिए आपको इन्हें हल्का सा मोटा रखना है ताकि बच्चे आराम से इसको खा सके। मेरे बच्चे इसे बहुत खुश होकर खाते हैं। मैं उन्हें बाहर की चीजें बहुत कम देती हूँ, मैं ज्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें घर की बनी चीजें दूँ। ये देखिए हमारा चने का आटा रेडी हो चुका है। इसको बच्चे बूढ़े कोई भी खा सकता है। ये बहुत हेल्दी होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं। मेरी बेटी को अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए मैं उससे ज़्यादा तक ऐसी चीज़ें देती हूँ जिससे वो हेल्दी रहे। अब मैं इसे एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लूँगी। जब भी मेरे बच्चे कुछ खाने के लिए मांगते हैं, उन्हें भूख लगी होती है स्नैक्स टाइम पे, तो मैं उन्हें यही सब देती हूँ। या मैं चने का आटा देती हूँ, या मखाने देती हूँ, या मैं उसे ड्राई फ्रूट वगैरह देती हूँ। मैं बाहर की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ या बहुत कम से कम देती हूँ। अगर बच्चे ज़्यादा जिद करे तो देती हूँ, अदरवाइज मैं उन्हें घर की बनी चीज़ें देती हूँ। ये देखिए ये मेरी बेटी बहुत शौक से खाती है, इसे ये बहुत पसंद है।